नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 होने वाला है और अभी मैं आ चुका हूँ सुबह इधर खेत की तरफ। और दोस्तों, अभी इधर थोड़ा घूम लिया और सुबह हवा तो बह रहा है दोस्तों, लेकिन कल बहुत ही बारिश था और आज देख सकते हैं आज का मौसम फ्रेश है। और इधर भी देख सकते हैं बादल तो लगा हुआ है, लेकिन हवा भी चल रहा है और फ्रेश है, बारिश अभी नहीं हो रहा है। और आज का मौसम लग रहा है कि बारिश नहीं होगा, ऐसा ही बादल लगा रहेगा, देखते हैं कैसा रहता है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं घर पे और आज फेरी पर भी निकलेंगे। 1:15 हो रहा है और मैं जो है ना घर से निकला हूँ 9:45 निकला हूँ। उस समय जो है ना बादल लगा हुआ था, हवा चल रहा था, लेकिन घर से निकला हूँ निकलने के 2.5 घंटे बाद लगभग 12:15 बजे से जो है ना धूप आ गया है। तो अभी देख सकते हैं धूप है, छाँव है, ऐसे बादल लगता रहता है और फ्रेश होता रहता है। थोड़ा बुनी भी पड़ा है एक जगह सिंहुरवा गांव में, लेकिन वो तिरपाल यहाँ पे रखे हुए हैं, इसे ढक दिए हैं तो सही हो गया है। तो नहीं ढकता तो तिरपाल नहीं लगता, तिरपाल आज काम आ गया है, तिरपाल नहीं लगते तो गीला हो जाता है, लेकिन ढक दिए हैं तो ठीक हो गया है। तो दोस्तों, सेल भी दोस्तों मस्त हो रहा है, 1:15 भी हो रहा है अभी तक ले जो है ना 1800 का सेल हो गया है। अभी तक 4 गाँव घूमा हूँ अपना गाँव लगा करके, पहला गांव, दूसरा गांव तो सेल नहीं हुआ है, तीसरा चौथा गांव में 2 गांव में सेल अच्छा हो गया है, 1900 का सेल हो गया है। तो सेल दोस्तों अच्छा हो रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा मन जो है ना आगे पीछे हिचपिच हो रहा है इसके लिए, क्योंकि मैं 5 दिन बाद आज फेरी पर निकला हूँ। तो कितना भी मैं अच्छा सेल करता हूँ, लेकिन जब अकाज हो जाता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो जाने, जब फेरी पर आते हैं तो मन ही नहीं लगता है। 4-5 दिन के बाद जब आता हूँ फेरी पर, तो वही है, 5 दिन के बाद आज फेरी पर आया हूँ तो थोड़ा मन आज ढीला है। और दूसरी बार भी जो है ना सर्विसिंग कराना है, गाड़ी चलाते हैं तो बहुत भारी लगता है और बहुत ही जो है ना जब भी ब्रेक दबाते हैं तो हचाक सी पड़ता है, यानी कि कहा जाए तो गाड़ी कहाँ पे क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। और इतना माल लोड हुआ है और कहीं पर ख़राबी होता है तो हमको प्रॉब्लम होगा, ऐसे भी बारिश का समय है। तो ऐसे भी फेरी करते हैं ना, फेरी वाले को जो है ना गाड़ी टंच मांगता है और थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठेलते ठेलते पसीना छूट जाएगा। इसलिए जब अच्छा है तभी ठीक करा लेते हैं। तो दोस्तों, अभी 1:15 हो रहा है, अभी से चलते हैं सर्विसिंग करा लेते हैं, 1900 का सेल हो गया है, सर्विसिंग करा के गाड़ी को टच करा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और अभी जो है ना रोपनी चालू हो गया है, इधर देख सकते हैं और रोपनी हो गया और पानी लगा हुआ है तो रोपनी हो रहा है, इस तरह का व्यू है। दोस्तों, अभी चलते हैं सर्विसिंग दुकान पे, गाड़ी को सर्विसिंग करा लेते हैं आज, जो नुक झोंक है ना सबको जो है ना क्लियर करवा लेते हैं आज। उसके बाद में फिर तो होता ही रहेगा, ये भी सर्विसिंग कराना भी बहुत ही ज़रूरी है। दुकान पर नहीं पहुंचा हूं सर्विसिंग दुकान पे, अभी चलते हैं, पहुंचने ही वाले हैं, 1 किलोमीटर और है, चलते हैं दोस्तों, पहुँचते हैं। और आते आते रास्ते में सेल हो गया है ठीक ठाक, तो टोटल सेल 2500 हो चुका है, तो चलते हैं दुकान पे मिलते हैं। टाइम अभी 5:45 हो रहा है और अभी का व्यू कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं। और दोस्तों, आज जो है ना सर्विसिंग कराने जा रहा था, लेकिन दुकानदार को जो है ना छुट्टी ही नहीं था, इसके लिए आज सर्विसिंग नहीं हो पाया है। और फिर ही गया हूँ नाश्ता करके, लगभग 2:30 बजे के आसपास दुकान पर पहुँच गया था, लेकिन नहीं हुआ है, सर्विसिंग नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 गाड़ी जो है ना खोल कर रखा हुआ था, सीतामढ़ी गया हुआ था, तो 3 बजे आया है तो बोल रहा था कि जो 2 गाड़ी खुला हुआ है उसको कसेंगे तो लेट हो जाएगा, इसके लिए आपको बाद में करेंगे, तो आज नहीं कराए हैं। उस समय के बाद जो है ना 16 गांव और एक और गांव, 2 गांव घूमे हैं 2:30 बजे के बाद से। सेल दोस्तों मस्त हो गया है, उस समय तक हुआ था 2500 तक 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद से हुआ है लगभग 2500-1300 का सेल हुआ है, तो अभी 3700 का सेल हो चुका है अभी तक ले। अभी दोस्तों चलते हैं, एक गांव और पड़ेगा हमारे घूमते हुए, चलते हैं सीधे घर की तरफ और देखते हैं रास्ता में कितना का सेल होता है। तो 3700 का सेल हो चुका है अभी तक, और फिलहाल दोस्तों चलते हैं, दुकानदार से भी बात करेंगे कि कब छुट्टी है, नहीं होगा तो कल सुबह सर्विसिंग कराएंगे, देखते हैं कब होता है, तो पता चल जाएगा धीरे धीरे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं बेर डूबने के बाद, अभी बेर है ही, देख सकते हैं धूप अभी है ही थोड़ा, पूरा बेर डूब जाता है, उसके बाद फिर मिलते हैं। अभी पेट्रोल में डला लिया हूँ और आते आते रास्ता में नहीं दिख रहा,
सस्ता में बिक्री नहीं हुआ है, तो हमारा आज का सेल 37 पर ही रह गया, 3700 पर। और अभी मैं तेल फुल करा लिया हूँ, 340 रुपये में जो है ना टंकी फुल हो गया है, तो 3-4 दिन चलेगा। चलते हैं फिलहाल अभी घर की तरफ। तो अभी आ गया बाजार में और थोड़ा सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे तो देखते हैं क्या क्या है। घिवरा कैसे है? घिवरा परवल, परवल कैसे? परवल कैसे है? परवल हो भाई, घिवरा कैसा है? दोस्तों भी आ गया घर, 7:15 बजे घर आया हूँ अभी दोस्तों, 7:30 हो रहा है। तो सामान में उतार करके गाड़ी लगा कर आया गया इस रूम में दोस्तों। और टोटल सेल की बात करें तो 3700, और आते समय रास्ते में बाजार से सब्जी ले लिया हूँ, उसके बाद में 50 रुपये का गमछा भी गया, तो 3750 का आज का टोटल सेल हुआ। और दोस्तों आज 5 दिन बाद फ्री पर गया हूँ, तो आज जब घर से निकला हूँ तो घूमने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी घूमे हैं, लगातार घूमते रह गए हैं, चलते रह गए हैं। तो सेल 2 गाँव में तो नहीं हुआ है, 3रा गाँव में सेल हुआ है, 4था गाँव में सेल हुआ है, और फिर 5वा गाँव में भी सेल हुआ है। और की वजह से जो है ना सही से थोड़ा देर, मतलब 1.5-2 घंटा सही से फेरी भी नहीं हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा और सेल होता, लेकिन चलिए जो भी हुआ ठीक हुआ है। और क्या बताएं, कितना भी अच्छा सेलिंग कर लेते हैं लेकिन यही होता है, 5-6 दिन 4-5 दिन काज हो जाता है, तो मन ही नहीं करता है घूमने का। लेकिन आज घूमने का नहीं मन कर रहा था, लेकिन फिर भी लगातार चलते रह गए हैं, तो सेल हुआ है और अच्छा हुआ है, इनकम भी हुआ है। ऐसा होता ही है, क्योंकि दोस्तों लगातार अगर काम करते रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बढ़ा रहता है, इसकी वजह से इनकम भी होता है, सेल भी होता है, मन भी लगता है काम करने में। लेकिन जैसे ही 4-5 दिन 6 दिन अकाज हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो इनकम भी, कमाई भी कम होता है, सेल भी कम होता है, अर्निंग भी कम तो होता ही है, और मन भी नहीं लगता है, यही बात है दोस्तों। तो चलिए अभी आ गए हैं, और सेल ठीक ठाक हुआ है, आप पेट्रोल भी डला लिए, फुल करा लिए हैं, 4 दिन चलेगा, तो 4 दिन फेरी करते हैं। और दोस्तों अभी आ गए घर, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। और दोस्तों आज हमारे घर पे बना हुआ है खीर, देख सकते हैं, सब्जी, और इधर पूरी है, देख सकते हैं किस तरह का पूरी, 4 कोना पूरी है, 3 कोना पूरी है, गोला गोल एक भी नहीं है, 3 कोना और 4 कोना है, और देख सकते हैं यही सब खीर, आद्रा आद्रा मनाए हैं आज, देख सकते हैं।